वालेकुम दोस्तों ये पेज के ऊपर लाइव आ रहा है प्लीज़ आप लोग कंफर्म कीजिए वालेकुम अस्सलाम आप तमाम को जी सैयद ज़मीर यूसुफुद्दीन साहब फ़ैसल बिन अली मीर शाकिर अली वालेकलम एक्चुअली मेरी आई डी छः दिन के लिए ब्लॉक है मेरी प्रोफाइल हुआ यूँ कि वो जो मुस्लिम लड़कियाँ गैर मुस्लिम के साथ जो शादियाँ कर रही है रजिस्टर्ड मैरिज पे वो जो मैं पोस्ट किया था उसके ऊपर uh, किसी ने रिपोर्ट की तो छः दिन के लिए उसको ब्लॉक कर दिया गया ताजुब है कि कोई ऐसा पोस्ट नहीं है कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ हो ऑफिस के पेपर से और उसके अंदर खुला लिखा हुआ है जी इमरान ख़ान फ़रहान अख्तर अब्दुल्बाज़हर फ़रहान अख्तर अस्सलाम आई एम फाइन आमिर अस्सलाम तो वो जो मुस्लिम लड़कियां जो गैर मुस्लिम से शादी कर रही है वो पोस्ट के ऊपर छः दिन के लिए मेरी प्रोफाइल को बंद कर दिया गया है अभी दो अभी देखा मैं दो दिन के बाद ओपन होगी वो तो फिर मैं प्रोफाइल पर आऊँगा इसीलिए मैं पेज पे आया आप लोग ये पेज को लाइक करके रखिए क्योंकि इमरजेंसी में जो बैकअप आई है वो बैकअप आई से ये पेज चलेगा तो आप लोग पेज के ऊपर आ सकते हैं अज़ीज़ दोस्तों बुजुर्गों मेरी माँ और बहनों आज लाइव आने का एक ख़ास मकसद है थोड़ी देर के लिए मैं लाइव आया हूँ तमाम को अल्लाह तमाम को खुश रखे आप तमाम को अल्लाह तआला आपके कारोबार में तरक्की दे और आप तमाम को बीमारियों से महफूज़ रखे। फिर एक मरतबा कोविड की आहट है कि कोविड आने वाला है दोबारा चाइना में तेज़ हो गया है यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल रहा है और शायद हिंदुस्तान की तरफ भी आएगा कुछ केसेस डिटेक्ट हुए हैं और अगर ऐसा होगा तो माशी तौर के ऊपर फिर तबाही और बर्बादी होगी और जिसका ज़्यादा इफ़ेक्ट हम मुसलमानों को होगा इमरान ख़ान क्या ख़िस्सा है भाई बेंगलोरी अफसर एयरपोर्ट बस ने इमरान ख़ान साहब वो ये कर्नाटक से जो अफसर बेग जो कॉल वगैरह करते हैं वो वो मुझे भी कॉल करते थे और कहते थे कि मैं चाचा आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ आपके पोस्ट देखता हूँ आप मेरे बाप दाखिल है फला है ये है ही रेस्पेक्टेड मी अ लॉट वो हैदराबाद अपनी बीवी को लेकर आए कुछ इलाज के सिलसिले में आए सुना मैं बात तो नहीं हुई मेरी उनकी और वो जाके बस से आए वो और बस से आने के बाद लकड़ी के पुल पे उतरे वो करीब में कहीं एक होटल लिए फिर वो जाके फिरोज़ खान राशिद ख़ान और आपके कालर इमरान से मिले जब वो कालर इमरान के पास थे तो वहाँ पे आके वो यसीम रहीमुद्दीन ख़ादरी उनको लेके कार में बिठा के टच में थे शायद उनके साथ पता नहीं मुझे तो फ़ोनों पे बात हो रही थी होगी तो उनको बिठा के लेके निकल गए एयरपोर्ट एयरपोर्ट ले जाके वीडियो बनाए फूल वगैरह पहना के और फिर वहाँ से घर ले गए घर में बिठाए फिर दारोसला मवेशी हॉस्पिटल ये तमाम पाँच छः घंटे छः घंटे के ऊपर उनको लोग घूमते रहे इस असना के अंदर इस असना के अंदर इनके जो घर वाले इनकी जो वाइफ़ है वो सुना मैं कि जो है घर को फ़ोन की वो इनके भाई को या माँ को बोली कि छः घंटे से मुझे होटल में छोड़ के गए हैं और अभी तक उनका कोई पता नहीं है तो जब तक उनको उनके कोई भाई ने वीडियो देख ली थी तो माँ को बताया कि ये गया बस से और एयरपोर्ट पे फुल पेहन के वीडियो आ रही है तो माँ ने माँ से शायद इसको गु़स्सा किया वो अफसर बेग को कि क्या चिचौड़ापना कर रहा है हैदराबाद में कि तू तो बस से जाने के बाद एयरपोर्ट कैसा पहुँच गया तो फिर उसने बताया कि हैदराबाद के फ़लाँ फलाँ हैं ये दो आदमी मुझे एयरपोर्ट ले गए और एयरपोर्ट पे तमाशा करे मुझे फुल पह के रिसीव करने का तो बोले उसकी वीडियो से सुना मैं कि, कि क्यों जी रहा है ज़िंदगी ऐसी मेरी से तो मुलाकात नहीं हुई ना मेरे से बात हुई वो बंदे की और ये तफसत मुझे वो, वो जो कॉलर इमरान है उस लड़के ने बाद में मुझे तफसलत बताई मैं भी वीडियोस देखा हूँ फिर उसके बाद पार्ट टू आया पार्ट थ्री आया चल रहा है फिर उसके बाद वो रहीमुद्दीन का भी एक वीडियो देखा मैं जिसमें वो कह रहे हैं कि सैद सलीम साहब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब मिल के उसका जो है पार्ट बनाए ना मेरी मुमताज़ खान से मुलाकात हुई ना मेरी वो अफसर बेग से बात हुई ना मुलाकात हुई अभी एक कस्म के इल्ज़ाम लगाना छिछुरापना करना एक उन लोगों का मकसद बना हुआ है और वही काम करते हैं उन लोगों के हँसी मज़ाक का मौजू बना हुआ है वक्त सबसे पहले आ, शादी की बात आ, शादी की बहुत बहुत आ, बहुत बहुत हाँ भाई चो खाली शो ऑफ इमरान ख़ान जस्ट ये बताना वो बताना वो क्या मस्करापना है मालूम ने जो कटे फरकतें वो लोग हंस रहे हैं पूरे हैदराबाद का नाम खराब शादी है आज शादी का अभी इतलात मिली मुझे वहाँ से काफ़ी अल्लाह सुबहान उनकी बेटी को असदुद्दीन अवीसी की और उनके तमाम अफराद ख़ानदान को अकबरुद्दीन अवीसी और उनके सारी फैमिली को हमारी तरफ से और फेसबुक के तमाम फ्रेंड्स की तरफ से मुबारकबाद अल्लाह उस बच्ची का और जितने भी लड़कियां हैं है, हैदराबाद में जिनकी शादियां होती हैं अल्लाह सुबाना तौला उनको नेक नसीबा करे और, और मियाँ बीवी में उल्फत मोहब्बत पैदा करे और हमारी नेक तमन्नाएँ हमारी नेक दुआएँ इस खुशी के मौके पर जनाब असदुद्दीन अवीसी और अकबरुद्दीन अवीसी के लिए हमारी बहुत सारी उस फैमिली के लिए दुआएं हैं लेकिन अब चलिए ये तो हो गया मुबारकबाद दे दिए लेकिन वहाँ से मुझे बहुत से फ़ोन आए कि सारा एरिया जो है उधर का मैं हकीम के बारे में बोलिए बोलता हूँ आमिरली में वो स्टोरी भी सुनाता हूँ आपको मैं आज वेकअप हैदराबाद टू मसलम तो सारा एरिया कल से सारे एरिया में जो है एक बड़े मुरीद फिर के सारा एरिया साफ़ करा रहे हैं और आज तो कर्फ्यू जैसा हाल कर दिया पूरे एरिया में सारी दुकानें शाम से बंद करवा दिए डिवाइडर लगा दिए लोग फोन करके बोल रहे हैं बहुत बुरा हाल है भाई यहाँ पे कारोबार बंद हो गए सब हो गए मैं बोला क्यों तो बोले कोई वी आई पीज आ रहे हैं सी एम आ रहे हैं बोल के सारे एरिए को सील अप कर दिए और सब गलियों को सील अप कर दिए लोगों को ठहरने नहीं दे रहे हैं गाड़ियाँ हटा दिए सुबह रोड पे से घरों के सामने से गलियों में लिया के रखो बोले गाड़ियों वगैरह को और पूरे बस्तियों में जो है चारों तरफ यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी है मैं बोला बिरयानी के देख आते होंगे अतराफ़ में क्योंकि पड़ोसियों का हक़ पहले होता है तो एक पाँच पाँच देग आप लोगों के महल्ले में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में आते होंगे आप लोग इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा कारोबार ख़राब हुआ है तो कोई बात नहीं है लेकिन बिरयानी तो मिलेगी आप लोगों को तो हंस रहे हैं जो बच्चे फ़ोन किए मुझे हंस रहे हैं साहब ये बड़े लोगों की दावत हो रही है गरीबों को थोड़े ही भेजेंगे नीचे खाना अरे मैं बोला यार कहीं भी अगर किसी भी ऑर्डर दे देंगे सदर साहब कि एक दस दस देग जो है लेफ़्ट राइट right में जो है चारों तरफ भिजा दो तो वहाँ के बस्तियाँ वाले खा लेंगे तो बोले नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत परेशान है हम लोग हम एक दिन सफ़र करो भाई शादी का मौका है अरे किसी शादी खाने में कर लेते हो ना शादी जाके ये बस्ती वालों को तकलीफ़ दे रहे हैं मैं बोले जा नहीं दो यार शादी का मौका है तुम तो लोग फ़ोन कर रहे हैं मुझे बार बार फोटो भी भेजे मुझे वहाँ से कि वो लोग तकलीफ़ में आज अड़ोसी पड़ोसी पूरे तकलीफ़ में हैं और नोहरा की ज़मीन को बोलो भाई के सुप्रीम कोर्ट नोहेरा शेख के फेवर में आ गया यम खान नोहरा शेख इज़ टोटली फ्रॉड इम्तियाज़ अहमद सलाम हुसैन बिन तमीस नोहरा शेख शुरू से द बेडशीट मैन वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह यम हनीफ सलाम नोहरा शेख मैं पहले से कहता हूँ कि बहुत बड़ी फ़्रॉड है वो एक मामूली औरत जो तरकारीचती थी तिरुपति में अचानक वो तिरुपति के वहाँ से छोटी सी जगह से निकलती है वो फिर सेल्फ डॉक्टर भी है उन्होंने अपने आप को डॉक्टर भी बोल लेते हैं उन्होंने डी आर डी आर बोले तो समझ में नहीं आता उनको डी आर पढ़ भी नहीं सकते होंगे मैं जहाँ तक समझता उन्होंने निकल के वो ग्लव्स पहन लेके हाथों में बुरख़ा पहन लेके बड़ बड़े बड़े वाजा करके वो करके प्रोमोट करे हज़ारों करोड़ पाँच हज़ार कितने करोड़ है इसे पता नहीं बरिहाल एक लाख के ऊपर तो खाली तेलंगाना के अंदर मेंबर्स हैं उनके पास तो कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं जो है जो लोग केस डाले हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत मिलेगा जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं बाकी का पूरा पैसा फ्रॉड है डूब जाएगा और ये एक दिन जो है यहाँ से चली जाएगी हाँ सुप्रीम कोर्ट से तो फेवर में आएगा उसके बाद में गायब हो जाएगी ये और हैदराबाद कब हारती हैदराबाद है में आता टाइम आता और हकीम सेवन हैच के बारे में कोई सवाल पूछे औरत गालियां दे रही है वो औरत तो हर जगह गालियां दे रही है वो एक जगह गालियां नहीं दे रही है वो हर जगह गालियां दे रही है वो कैसे कैसे गालियां दे रही है वो उसका मुंह है या वो वालदान है पान खा के जो थूकते बड़ा तजुबा मुझे औरत के गालियां सुन के कई जगहों पे गालियां और ये औरत मांगने के लिए निकल रही है वीडियो बनाते हैं अमजदुल्ला खां करें वो एच वालों के पास दूसरों के पास ये कई मरतबा मेरे पास भी पहले आ चुकी है ये जब नालों में पानी आया था वो टाइम मेरे पास भी वो आ चुकी है मगर मुझे नहीं पता कि ये वही औरत है या कोई दूसरी है लेकिन उसके गालियाँ सुन के बड़ा तजुब हो रहा है भाई वो फ़लाँ उसका बाल कते ये लोग भई मर्द आदमी बोलने के लिए गाली थोड़ा सोचता है और उनको वो भी मालूम है फ़लाँ जगह का बाल इधर का बाल और मैं सुना कि वो यानी सेवन हकीम के घर पे जाके उन्होंने वीडियो बनाए मेरा वीडियो बनाओ बोल के अब उसके बाद निकालो बोल के फ़ोन कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं पुलिस को चाहिए कि ऐसे औरतों को जो इस किस्म की औरतें हैं इन लोगों को जो ये जो, जो फैला रहे हैं मांग रहे हैं जाके और उसके बाद गाली गलोच के इनकी वीडियो आ रहे हैं तो इन पर केसेस बुक करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे से गाली गलोच कर रहे हैं दूसरी चीज़ Uh, हैदराबादी राइटर यस्यम रहीमुद्दीन का साथ देना एम एल का जुलूम हो रहा है उस पर हैदराबादी राइटर आपको किसने बोला उसके ऊपर जुलूम हो रहा है पहला वीडियो आया उसका कि वो एक एम को गाली गलोच कर रहा है गंदे गंदे गालियाँ माल उठा लेकर गालियाँ दे रहा था ना वो वो यहाँ हैदराबाद में नहीं है वो एम उसके बाद कोई जाके दो चार फतरे मारे फॉलोअर सुन के दो चार फतरे के ऊपर पचास आदमी आ गए हमला कर दिए जैसा मेरे घर पे जैसा आए लोग सैकड़ों की तादाद में लोग थे यहाँ पे पुलिस थी पुलिस की मौजूदगी में हमला करें मेरे घर पे सीसीटीवी निकाल के लेके चले गए पूरा डीवीडी निकाल लिए दरवाज़ा तोड़ दिए घर में से फ़ोना चोरी कर लिए उसको बोलते हमला दो फतरे मार के उसके बाद चीख पुकार करने से तो जो करे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए घरों पर जाके हमला नहीं करना चाहिए किसके भी घर पर हो घर पे औरतें रहती है फला रहती है तो जब एक साल पहले ये लोग करे थे मेरे घर के ऊपर आके सियासी जमात की हिमायत लेकर जब नहीं सोचे कि अल्लाह पलटा के इंताम लेंगा एक साल के बाद अल्लाह इंतकाम लिया आज वही लोग तुम्हारे घर के ऊपर हमला करें ये अल्लाह का निज़ाम है जैसा करते वैसा भरते मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई एमएलए या एम के बेटे कोई गालियाँ देते फिरने से आपको कोई पॉपुलरिटी मिलने वाली है अभी आके एक वीडियो देखा मैं कि वो अफसर बेग कर्नाटक उसका पार्ट टू मुमताज़ अहमद ख़ान एम एल ए और सैयद सलीम साहब मिला के बनाए अरे क्या इंसान है यार अब वो आदमी से मिला नहीं अफसर बेग से मैं यहाँ हैदराबाद आके गया वो वो ख़ुद वीडियो में बोल रहा है कि चाचा मैं आपकी नज़र से गिर गया मैं आपको अपने बाप की तरह समझता था मैं बहुत गलत काम कर दिया फ़लाँ कराओ वो मिला ही नहीं मेरे से बात ही नहीं करा मुझसे वो और शर्मिंदगी को फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं ये उठा के आज आ, मेरा नाम लगा दिया उसके अंदर बरे एक अजीब गरीब फैमिली है वो उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता ख्वाजा बिलाल भाई को शादी की दावत नहीं दी है क्या ख्वाजा बिलाल भाई तो क्या आ, मैं क्या बोलूँ आपको मैन ये ये बढ़िया था गारू जी ख्वाजा बिलाल ने जो रनिंग कारपोरेटर है ख्वाजा बिलाल एक्स कॉरपोरेटर है जो करंट कारपोरेटर है उन उन लोगों को दावत नहीं है अली बाबा चालीस चोर की टीम के चालीस चवालीस चोरों को दावत नहीं है सिर्फ एम एल को दावत है वो भी पार्किंग से लेके वीआईपी को वहाँ तक लाके छोड़ना बचा तो खाना खाना अरे मैं बोलना ही भूल गया यार मुरीदो भैजान मिल भैजान मुबारक हो तीसरे भाईजान भैजान मिल्लत भैजान मिल्लत मुबारक हो तमाम जो सुनने वाले मुरीदों को हैदराबाद ट्रोल हैदराबाद इज़ बनाओ अंकल वो कौन सा ट्रोल हैदराबाद नहीं मालूम यार मेरे को तो खाजा बिलाल को कहाँ से आती है यारो दावत बड़े बड़े लटक रहे हैं वहाँ पे किसको भी दावत नहीं है हाँ बच्चा तो जो है शाम में खिलेंगे अब मुरीदों को तो वहाँ खिला रहे हैं नीलोफर हॉस्पिटल करने कैंसर हॉस्पिटल करने बांट रहे हैं चार मीनार करने बांट रहे हैं उस्मानी हॉस्पिटल करने बांट रहे हैं और यहाँ डबीरपुरे ब्रिज करने भी देखा मैं बहुत से लाइन से बैठे हुए थे वहाँ भी खाना बांट रहे हैं पता नहीं किधर किधर लोग गाड़ियों में से ला रहे हैं निकाल के पाकिटा दे रहे हैं वो वही बिरयानी होंगी वहाँ से इन लोगों के वास्ते स्पेशल दावत होंगी और मेरे आने का मकसद रह जा रहा आप लोगों का सवाल पूछने से मेरा आज लाइव आने का मकसद है हैदराबाद के अंदर जो खतल हो रहे हैं मर्डर हो रहे हैं मर्डर का सिलसिला खतल का सिलसिला कंटिन्यू जारी है कंटिन्यू ये एक हैदराबाद के लिए पुराने शहर के लिए बड़े अफसोस का मुकाम है एक दिन में मर्डर हो रहा है उसी दिन परसों के दिन इतना मासूम बच्चा हो इतनी कम उम्र लड़का कितना मासूम चेहरा उसका मुझे देख के इतना अफसोस हुआ जो कॉरपोरेटर आज़म एम के एम के ऑफ़िस में मर्डर देखो आप एम वालों से सब डरते ये लोग मर्डर कर देते बोल के पूरा हैदराबाद बात करने के लिए डरता एक दूसरे से कान में बोलते सुने ऐसा हो गया सुने वैसा हो गया जोर से नहीं बोलते बात कहीं को बोले तो कोई मुरी सुन लिया तो फिर दुश्मन हो जाता महल्ले में उसका उन्हें जाके चार मुरीदों को बोलता फिर आठ मुरीद जमा होते फिर पूरे आते बो 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 बह चौरसों पर बैठे भी रहते आते कुछ जाते कुछ रहते, रहते। जा रहा देखो इन्हें इन्हें जमात का मुखालिफ है सदर साहब का मुखालिफ है गो 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 गो। रातों में निकले हुए रहते पूरे ये पूरे पूरी रात भर फिरते रहते ये पूरे तो ये जो गैंग है तो कोई बोल नहीं सकता इनके ऑफिस में मर्डर हो गया बोले तो लाइन डाटर का अंदाजा लगा लो अब यमआईम यम, कारपोरेटर बोले तो जो हैदराबाद की माफिया है डॉन हसदुद्दीन अवीसी द डॉन ऑफ हैदराबाद गुंडों के कारपोरेटरों के रोडी स्ट्रीटरों के बड़े बड़े फुन्ने खाओं के डॉन डॉन के कारपोरेटर के ऑफिस में मर्डर बड़े शॉकिंग न्यूज़ है वो कोई मामूली न्यूज़ नहीं है आप लोग इसको मामूली मत समझिए न्यूज़ को वो और इतना नौजवान बच्चा यार देख के मेरे को इतना अफसोस हुआ मैं वो नौजवान को अल्लाह उसकी मफ़रत फरमाए उनके वालदा को सबर दे उनके वालिद का दो साल पहले इंतकाल हुआ करते कोविड में ये लड़का वो घर की ज़िम्मेदारी संभाल रहा था बड़ा लड़का था ये और घर की ज़िम्मेदारी देख रहा था और अपने मामा के साथ जो कारपोरेटर है उनका भी कुछ काम देख रहा था वो या वो काम की लपेट में आ गया मामा के ख़िस्से कहानियों की लपेट में आ गया या कोई और किस्सा है पुलिस का तो वो नहीं आया पुलिस का वर्जन नहीं आया पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई अभी और दोनों मर्डर करने वालों को रिमांड कर दी पुलिस अभी आजकल में वो कंप्यूटर के ऊपर एफ़ मिलेगा तो एफ़ के अंदर डिटेल रहेगी कि क्या खिस्सा था मर्डर करने का वो तो मोटिव पूरा आ जाएगा उसके अंदर पेपर के अंदर बहरहाल उस लड़के के वालदा और उनके घर वालों के साथ जो है हमारी पूरी हमदर्दी है और हम अफसोस करते हैं हैदराबाद के अंदर ये खतलों का सिलसिला रुकना चाहिए और उसी टाइम दो अटैम्प टू मर्डर हुए एक अटैम्प टू मर्डर हुसैनी में हुआ एक अटैम्प टू मर्डर आपके जो है बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में हुआ और एक मर्डर कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन की लिमिट में हुआ सस्पिशियस डेथ बोलें लेकिन वो भी मर्डरी है दो भाइयों का जो है झगड़ा है घर के अंदर जो है मरावा नौजवान पाया गया इन्वेस्टिगेशन जारी है पुलिस की रिपोर्ट आएगी कि वो मर्डर क्यों हुआ तो सोचिए आप एक दिन के अंदर हैदराबाद के अंदर मुसलमानों का लहू बह रहा है और हुकूमत पुराने शहर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर चुकी है पलट के भी नहीं दिख रही हुकूमत होम मिनिस्टर साहब हमारे महमूद अली साहब अल्लाह उनको नेक हिदायत दे वो बस उसी में लगे हुए रहते हैं इमाम जामिन नंबर वन सेकुलर चीफ़ मिनिस्टर नंबर वन पुलिस इंडिया के नंबर वन इंडिया के नंबर वन सेकुलर चीफ़ मिनिस्टर वो तस्वीर पढ़ लेते रहते महमूद साहब पुराने शहर का निज़ाम इतना ख़राब है कि ड्रग्स हर जगह गांजा शराब आपके जो है दूसरे नशे की गोलियाँ इवन मेडिकल हॉल के ऊपर से भी बहुत सारी चीज़ें सप्लाई हो रही है मेडिकल हॉल्स पे मेडिकल हॉल वाले भी नशा आवर दवाइयाँ रख के बेच रहे हैं वो गोलियाँ ऐसे टॉनिक्स जिससे नशा आता वो भी मेडिकल हाल पे भी बिक रहे हैं पान के डब्बों के अंदर भी है यानी हर जगह है स्टेशनों के अतरफ गंजटियों का हंगामा नामपल्ली नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी नामपल्ली एरिया तो पूरा ड्रग्स के अंदर लुत्फ है पूरा पुराना शहर इस वक्त ड्रग्स में लुत्फुत है कहाँ से आ रहा है कैसा आ रहा है और सब बोल रहे हैं ड्रग्स बंद होना चाहिए एंट्री ड्रग कंपेन चल रही है लेकिन ड्रग बराबर मिल रहे हैं रात के होटलों पान के डब्बे दूसरे के बंडियाँ बैकडोर से खुले हैं कुछ दिन पुलिस सख्ती करती है पकड़ के ले जाती है चालान करती है फिर छोड़ देती है फिर होटले पान के डब्बे सब चालो तो कैसा है लाइन आर्डर अगर पुलिस चाहे अगर ओनर को पकड़ के ले गए और उसको सील कर दिए कारोबार को और उसको बोले कि अगर आइंदा यहाँ पे बॉन्ड पेपर पे लिख के दोगे तुम आइंदा जो है टाइम पे बंद करोगे नहीं तो तुम्हारा जो है सील नहीं खोलेंगे पुलिस के पास पचास क़ानून हैं लॉक कर दे के लॉक करने के ऑर्डर ले के कि कोर्ट से जो है ये टाइम है हमारे बंद करने के ये लोग खुली रख रहे हैं बोल के हम जो है ये कर रहे हैं बोले तो कोर्ट ऑर्डर देता उनको ये रात का तमाशा बंद करो ये रातों में फिरने से लोग वो ड्रग्स बेचने वाले ये मर्डर करने वाले ये पब्लिक के अंदर घूम रहे हैं लोग अगर शट डाउन हो जाएगा टाइम के ऊपर पुराने शहर तो ये एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल होगा इस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की बजाय जाके मेमोरेंडम दिए एक बजे रात तक खुली रखो दो बजे रात तक लग का जो है शहर को जो है खुला रखो कारोबार चालू रहने दो फला रहने दो जब मैं आके गड़बड़ कर रहा कि साहब ऐसा कैसा होता है ये कमिश्नर साहब को भी मैं जो है लेटर लिखा और लाइव आके बोला मैं कि ये रात के टाइम समझिए आप तब जाके फिर कमिश्नर साहब का बयान आया हाँ मेमोरेंडम दिए लेकिन कंसिडर नहीं करे अभी हम वो मेमोरेंडम पढ़ा हुआ है क्या भाई एम एल साहब के बच्चे एक बजे तक बैठते होटल में पान के डब्बे पर घुटके खाते हैं कोई एम का बच्चा इनके बच्चे तो बंजारा हिल को जाते बंजारा हिल के कैसिनो में पब में जाते वहाँ पीते वहाँ ड्रग्स लेते वहाँ फिर जाके कार में रेप करते फिर बड़े घर के बच्चे हो जिनके बाप लूट लाट के वफ़ के ज़मीना ये वो दिन भर मेहनत करके खाली लूट रहे हैं घर खा जा रहे हैं ज़मीना खा जा रहे हैं नाले बेच दे रहे हैं तालाबा बेच दे रहे हैं उनके बच्चे जाके फिर जो है आ, जाके रेपा कर रहे हैं बुराइयाँ कर रहे हैं वहाँ पे अब्दुल राज इजहर ठीक आज जोजफ जूते छुपा के पैसे लेता होंगे भाईजान से वाट क्वेश्चन यार बहुत पसंद आया मुझे आपका ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है जूते छुपाता या जूते मार देता नहीं मालूम उन्हें जूते छुपा के पैसे लिए सर का तो नहीं है जूते लेके भाग के पैसे जूते बेच दे के पैसे खाया था उन्हें चोर है एक्चुअली सऊदी अरब में है जो लॉन्ड्री में काम करता था कपड़े धोने का इन्हें धोबी का काम करता था वहाँ पे तो शेख के कपड़े धोने को लेके जाओ बोले तो वो जेब खाली करके देखा तो तोप में पैसे थे तो तुप में से पैसे चोरी कर लिया था कहते एक वीडियो देखा मैं पैसे चोरी कर लिया तो वो लोग पकड़ के इसको पैकअप कर दिए मां से मार के हकल दिए जोजफ को तो भैया हल कुछ भी कर सकता उन्हें जूते तो छुपा था कैसा भी मैं सुना तीन दिन से पीले कपड़े पहन लेके फिर रहा लोग पकड़ के बोले अरे तीन दिन से पीले कपड़े पहन के फिर रहे जी जी वो मंजे सानचक है भाईजान के हमारे दूल्हे भाई मिल्ल आ रहे हैं बोले ये लियो नया दूल्हे भैया मिलत के थे दूल्हे भाई सदर साहब के वली है ना सदर साहब तो एक और एक वली आ रहे हैं समझो वलिया की शादी हो रही दामाद वली आ रहे हैं समझो पूरा वलियों का ख़ानदान बोलता उन्हें खालाओ समझे अब ना मजे का जो करे यार वो भी एक समझे आप दो ही जो करे हैदराबाद है के अंदर एक वो एक अपना पैदा रसाल ये एक, एक, एक नमूना ये एक उनकी पूछे आपकी बहुत इज़्ज़त कर अफसर बेग शेख हुसैन वो शुरू से इज़ ए क्वालिफाइड पर्सन अच्छी बात करते हैं वो अफसर बेग कभी कभी यार मुझसे बात करते हैं फ़ोन के ऊपर ऐान ख़ान दुल्हन का खलेरा भाई भाइया जोजफ़ नहीं भाई ये आपसे मेरे को इतना मिल रही खलेरा भाइया बोल के क्या सदर साहब चोरों के ख़ानदान में शादी करेंगे इन्हें चोर है एक्चुअली बेसिकली और इन्हें गालियाँ वाला है इन्हें सुबह नींद में से उठते पहले तीस चालीस गालियाँ पहले नींद में से बिसांदा मुँह उठते पहले गालियाँ देता शाम में सोते ख़त पे जो है तीस चालीस गालियाँ दे के सो जाता ये इनके ऊपर से चल लेते यारा बड़ों से देखो घर का माहौल जैसा रहता बच्चे वही सीखते अब घर में गाली गलोच देते रहे तो बच्चे भी वही सीखते समझे आप तो इन्हें भी जो है इसके घर का माहौल वैसे ही होगा गाली गलोच का तो इन्हें बैठ के गाली गलोच देते रहता एक वीडियो देखा मैं बहुत हंसी है मेरे को कि चाइना से चाइना हमारे देश में जा रहा कि नखीब मिलत को हिंदुस्तान का डिफ़ेंस मिनिस्टर बना दो फिर देखो चाइना और पाकिस्तान का कैसा बाजा बजा देते सदर साहब बोल के बोल रहा है ने। तो सदर साहब को डिफेंस मिनिस्टर बना दिए तो ये पूरे मुरीदा मिलके जाके बॉर्डर पे लड़ेंगे ये हगरे मुरीदा लड़ सकते बॉर्डर पे बोलो आप मेरे को अरे पुराने शहर में ले कर लेना दादागिरी यहाँ पे गुंडागर्दी वो भी पुलिस मिले भी है बोल के के ना के मिर्जा बार बार पूछे नोटिस आई उसको आज शोहब मिर्जा मैं भी देखा नोटिस आई बोल के मैं भी पोस्ट करा वो इलीगल घर है फला है ये है बोल के अरे वाह भाई वाह हबीब साले क्या आपका भी यार आ, सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत पसंद आया मेरे को बार्डर कन प्लाटिंग कर देता भाई सदर साहब हंड्रेड परसेंट वो जो पहाड़ा वहाड़ा जितने भी देख रहे हैं पहाड़ पे एक दो पैलेस नखीबा पैलेस हबीबा पैलेस दो पैलेस उधर बन जाते इधर उधर नीचे जो पहाड़ों के नीचे जगह है उसके अंदर जाके मुरीदा प्लाटिंग कर ले कर बेच देते फटाफट बाद में वो नदियाँ वदियाँ भाई तो पूरे घर भर जाते तिब्बत से निकलती नदी हो तिब्बत तुब्बत से च्यंग पोंग टांग च्यूँ हाँ उधर से जो निकलती नदी तो ये पूरा यहाँ तक आती हो तो पूरे घर वाले डुबके बह जाते पुराने शहर के सर का इन्हों बोलते दस दस हज़ार रुपये मैं मुकूमत से दिला देते टेन थाउजेंड हर घर को हम दस हज़ार दिला रहे हैं जिनके घरों में पानी आ गया पूरा घर तबाह हो गया पूरा सामान तबाह हो गया फर्नीचर तबाह हो गया फ्रिज तबाह हो गया ऑटो तबाह हो गया गाड़ी तबाह हो गई सोना डूब गया गुम गया कपड़े बर्बाद हो गए लोग एक कपड़ों के जोड़े के ऊपर आ गए हमने हर घर के हमने हुकूमत से नुमाइंदगी करके दस दस हज़ार रुपये हमने हर घर वाले को दिलाया क्या बड़ा काम किया दस दस हज़ार दिलाया उन्हें तबाह बर्बाद हो गया पूरा अच्छा आवाम भी खुश है जैसा भाषा वैसी रियाया समझिए अब दस दस हज़ार बाद में फिर उड़ डाले जाके कैसे बेशरम लोग हैं यार दस हज़ार रुपये तुम्हारे घर में जो कीचड़ आ गया था वो कीचड़ साफ करने में निकल गए नदी का जो कीचड़ आ गया था तालाब का उसको साफ़ करने दस हज़ार के ऊपर निकल गए पूरा सामान उठा उठा के फेंके गद्दे सोफ़े कोई चीज़ इस्तेमाल के काबिल नहीं थी इतनी गंदी मट्टी इतनी झाड़ी और इतनी बदबोदार हर चीज़ आके जो है ड्रेनेज का पानी हर चीज़ घरों में जमा हो गई एक एक फ्लोर तक बहरहाल जैसी जैसा लीडर वैसी जनता कोविड की क्या न्यूज़ है सलीम भाई हैदराबाद में हैदराबाद में कुछ भी नहीं है भाई कोविड अभी अभी हम भी सुन रहे हैं चाइना यूरोपियन कंट्रीज़ चाइना ज़्यादा अफेक्टेड है और दुआ करो अल्लाह ताला ना लाए वो कोविड को इंडिया के अंदर क्योंकि इससे पहले कि अभी तक नहीं संभले मुसलमान हम लोग ख़ास तौर से अपन अपनों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी उसके अंदर चाचा मुरीज हमारे घर के पास भी रुबाब कर रहे क्या करा मैं परेशान हूँ भाई ये मुरीदों का कुछ नहीं कर सकते अल्लाह से दुआ करो हर जगह ये लोग की जो है जुल्म की इंतहा हो गई है हर जगह हर मुरीद फिर इनकी तकरीर आती चप्पल लेके मारूंगा अगर जुल्म करेंगे आवाम के ऊपर हबीबा की तकरीर हर थोड़े दिन को आती तकरीर हो कब कब चप्पल निकालते कब मारते नहीं मालूम मगर इनके कारपोरेटरों का उनके पटों का जुल्म हैदराबाद के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया जी बेड मैन आपका कॉमेंट डालिए देखता हूँ मैं फैसल फ़हद फैसल आप दावत में नहीं गए नहीं गया भाई मेरे को दावत नहीं आई थी तो आप लोग वो पूछ रहे थे मुझसे कि माइनॉरिटी लोन पचास करोड़ आठ साल के बाद दिए उन्होंने एक कोई साहब आए हुए हैं मोहम्मद अरीब लिखते हैं बी यू एल एल ई क्या मतलब है नहीं मालूम मेरे को मेरे को इंग्लिश नहीं आती मियाँ होती फिर आए उन्होंने लिखे चूतिए दो दो हो गए इनके फिर आए मोहम्मद अरीब बूढ़ा बूढ़ा होगा तेरा बाप अभी तो मैं जवान हूँ चीचा काले का क्या करेंगे चिगड़ लग गया कोविड के जैसा कुछ भी नहीं उसको जवाब देते रहना उसको आ, सवाल को जवाब देना मुरीदों को कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता अरे मुरीद को ब्लॉक करो ओके गालियाँ लिख रहा भाई उन्हें वन सेकंड भाई जरा ब्लॉक कर देते हैं गंदे गालियाँ वाला ये है गालियाँ वाला मुरीद समझे आप खाली गालियाँ गालियाँ देते जा रहा बेचारा और माइनॉरिटी लोन्स के बारे में बोलिए बोलो चीचा अच्छा बहुत अहम सब्जेक्ट है पचास करोड़ रुपए आठ साल के बाद दिए नो आठ साल में कुछ भी नहीं दिए अब माइनॉरिटी में कौन कौन आते मुसलमान सिख ईसाई बुद्धिस्ट और कोई दो तीन ज़ात है और सबको मिला के माइनॉरिटी बोलते वो पूरों को तेलंगाना में पचास करोड़ पाँच पाँच हज़ार रुपये लोन देंगे क्या होता सबका कम शैताना दिया था पांच पांच हज़ार रुपए में क्या होता आप लोग बताए पांच हज़ार रुपये लोन में अब्दुल अब रबी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ प्लीज़ दूसरे दूसरे क्वेश्चन मत पूछिए माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के लोन्स से रिलेटेड बात कीजिए उसके अंदर आपको तमाम आइडेंटिफिकेशन के साथ एक इनकम सर्टिफिकेट निकालना है मी सेवा से कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है वो लोग भी सेवा वाले यम को यमरो ऑफ़िस को भेजेंगे यमरो ऑफ़िस से बन के आएगा इनकम सर्टिफिकेट लगा दिए और कास्ट सर्टिफिकेट ठीक है अब ये दो सर्टिफिकेट के अंदर पैसा जमा कर लेंगे पब्लिक से पब्लिक से अब ये रिसीविंग होंगी समझो अब अब जितने माइनॉरिटीज़ है पूरे अप्लाई करेंगे अप्लाई करें तो अच्छा खासा पैसा जमा कर लेंगे आज मुझे लोग फ़ोन करके कहते हैं कि मी सेवा वाले बोल रहे हैं कि एक महीने के बाद सर्टिफिकेट आएगा अबू बकर रबिया जी ब्लॉक कर दे रहा हूं मैं मुरीदों को तो एक महीने के बाद आएगा सर्टिफिकेट और अब डेट क्या दिया? पांच जनवरी डेडलाइन। क्या मस्खरा पना कर रहे आवाम को जो है बेवूब बना रहे हाँ पहले गरीब हवा में उनका मजाक उड़ा रहे आप ये हुकूमत वाले टीआरएस वाले पचास करोड़ दिए नहीं देना है तो वो भी मत दो आप भी को पचास करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है इतने पॉपुलेशन के अंदर और वो आम लोगों को मिलता भी नहीं कॉर्पोरेटर एम एल ए लीडर टी आर एस के फला, ये ये लोग ये लोग अपने अपने फैला वहाँ पे पास करा लेते गरीब आदमी जो है पूरा मी सेवा ये हमारो ऑफिस वो फॉर्म लेके भर लेके फ़ोटो लगा के फ़ोटो कापियाँ करा लेते हुए ये फ़ाइल जमा कर लेते फिरते रहता है इन्हें लाखों फ़ाइल चले जाते हैं इनके पास लेकिन जिसको मिलना है वो लिमिटेड लोगों के फाइल चले जाते एम एल ए के एम पी के पट्टों के चाहे टी आर एस के रहो ये रहो वो रहो हुकूमत के सब वो वहाँ वहीं फिलअप हो जाते हो खा जाते आधा खा जाते आधा बढ़ता तो पाँच जनवरी की डेडलाइन आप दिए अब मैं माइनॉरिटी के अंदर किससे पूछूं भाई कौन है माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन चेयरमैन साहब एक सवाल का जवाब दीजिए अब आप तक भी पहुंचती मेरी क्लिप जनाबे एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि पाँच जनवरी की डेडलाइन है अब एक महीने के बाद दो सर्टिफिकेट मिलेंगे कास्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट जो बोल रहे हैं इससे वहाँ पे एक महीना बोले तो आज क्या तारीख है पाँच तारीख को आपकी जनवरी को डेडलाइन खत्म तो सब लोग जो है सर्टिफिकेट निकाल के एक महीने के बाद क्या करना अचार डालना सर्टिफिकेटों को बोलिए आप लोग आप लोग भी आप लोग भी कमेंट कीजिए भाई आप लोगों का जो कमेंट रहता है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ये फेसबुक जो है ताकत है पावर है फेसबुक को क्या समझ रहे हैं आप लोग इसके कमेंट जाते हैं गवर्नमेंट तक जाता है ये जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे जितने ज़्यादा लाइक आएंगे जितने ज़्यादा शेयर होते हैं उतना ज़्यादा ये सर्कुलेट होता है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक भी आपका पोस्ट जाता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन उजमा फातिमा यू आर वेरी राइट ये गवर्नमेंट जो है अभी सेवा से पैसे कमाएंगे खाली हमारे को जो है हाथ में हथेली में जन्नत दिखा के हथेली में जन्नत दिखा के ये लोग जो है हमारे से गरीबों से पैसा ले लेंगे उल्टा देंगे नहीं ये ले लेंगे सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए आप कम से कम इमीडिएटली डेट एक्सटेंड कीजिए आप आप पहले आप जो है वो एक महीने का टाइम प्लस एक महीने का टाइम दो महीने का टाइम दीजिए आप देने के लिए सिक्सटी डेज मिनिमम जो है फॉर्म भरने फॉर्म सबमिशन की डेट दीजिए एक्सपायरी डेट आप आप फेबरवरी या मार्च दीजिए फिफ्टीन मार्च तक एक्सटेंड कीजिए आप एक महीने के बाद में इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा और पाँच जनवरी के दिन जो है जो है फॉर्म देने की तारीख खत्म हो जाएगी अब्दुल्बिजहर यू आर वेरी राइट right. तू मेरे कान को खुश कर मैं तेरे कान को खुश करता हूँ एक लाख रुपयी साढ़े तीन सौ लोग और दो लाख पंद्रह सौ लोग को मिलेंगे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से एक लाख रुपीस साढ़े तीन हज़ार लोग और दो लाख रुपीस पंद्रह सौ लोग को मिलेंगे सैयद तोहैद साहब कह रहे हैं ये सैद तो, तो साहब आप एक लाख दो लाख रुपए लेके बताइए मुझे बहुत ख़ुशी होंगी आप अगर आप एक लाख दो लाख रुपए लेके बताएंगे तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरे माइनॉरिटीज़ इसमें आते हैं और ये कोई सैंक्शन फंक्शन ऐसा मिलने वाला नहीं है वेकअप टू हैदराबाद चिचा कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मिनिमम वन मंथ कभी थ्री मंथ भी होती चिचा करेक्ट हंड्रेड परसेंट आप जाके देखो ना भाई प्रैक्टिकली जाके आप मी सेवा वालों से पूछो कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट कितने टाइम में आएगा चिचा सदर साहब की बेटी की शादी में नहीं गया नहीं भी रुखा नहीं आया मेरे को नहीं गया मेरे को दावत नहीं आई अब उसके बाद में तो अभी अब तो सवाल ही नहीं है आपको अप्लाई करने का एक लाख दो लाख तीन लाख आप खाली बात कर लेते रहो खुश होते रहो आप इससे पहले डबल बेडरूम मकान के लिए रहे बोल के फॉर्म लिए डबल बेडरूम मकान के लिए कितने लाख फॉर्म जमा हुए कितने लाख फॉर्म्स कहां गए वो फॉर्म्स कितने लोग अप्लाई करे याद है आप लोगों को कुछ डबल बेडरूम डबल बेडरूम फॉर्म्स पूरी फॉर्मेलिटी करके पूरे लगा के डालते गए औरत कलेक्टर ऑफिस करने तो लाठी चार्ज हो जा रहा था लंबे लंबे लाइन लगे हुए थे सही है जायद लोन लेने के लिए कितना खर्चा होगा कुछ भी नहीं बीच में आप थोड़े आ जाते मैं दिलाता हूँ तू दिलाता हूँ बोल के जो खा जाते पैसे सही है तो ही सही बोले आप माइनॉरिटी सब्सिडी लोन के नाम के ऊपर कमा लेते उल्टा सलीम भाई हैदराबाद में बीजेपी आ गई तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा इंडिया में बीजेपी है यारो आज आठ साल से हिंदुस्तान का वजीर अजम बीजेपी है क्या हो रहा हैदराबाद में ही तो क्या होगा पूरे हिंदुस्तान में है तो कुछ भी नहीं कर ले सके लोग हैदराबाद में है तो क्या करेंगे बोलिए आप मेरे को कुछ भी नहीं होता क्या होता हैदराबाद में हमारी बेहतरीन ताकत है मुकाबला करने की चीचा अली मुद्दीन भी मुरीद निकला अरे यार ये कालरों से तबीयत बेजार होगी भैया कालरों का नाम मत लो भाई ऐसा दिखता है इन लोगों कोई काम धंधा नहीं है सुबह उठते चींचौरा बना और जो लोग पोस्ट कर रहे हैं इन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं वो तमाम वेब आपके जो है जो पोस्टिंग करते हैं पेजों वाले उन तमाम से मेरी अदबन रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये चिचोरे चीज़ों को प्रोमोट मत कीजिए यार कोई अच्छी चीज़ें बताइए आप लोग जो पॉजिटिव हो एरियों में जाओ दवाखानों में जाओ गरीब लोगों के बस्तियों में जाओ वहाँ के मसाइल निकालो बताओ यहाँ पे मोहरी बह रही है यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे जो ऐसे कैंसर पेशेंट है यहाँ किडनी पैरलिस के लोग पड़े हैं इनकी मदद कीजिए फलाँ कीजिए या नहीं है यहाँ पानी नहीं आता या गंदा पानी आता है फला आता है या बस नहीं है एरिए में और यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है ये देखो ये बस्ती दवाखाना बोल के खोले यहाँ पे डॉक्टर आ नहीं है नर्स आ नहीं हैं तो ये ऐसे चीज़ों को ऐसे चीज़ों को डालिए आप लोग मीडिया वाले वेब मीडिया वाले क्या पोस्ट कर रहे हैं आप लोग वो उन्हें भाभी को फ़ोन कर रहा वो बात कर रहा ये ये चौथा पार्ट है ये पाँच पाँच पार्ट है ये छठा पार्ट है अरे क्या है भाई अरे वो वो पीजों को देखने को दिल नहीं बोल रहा है भाई मशरा बना बना दिए ये भी वो पेदा रसाल के सर का हो गया पकड़ के मार रहा होखा मार रहा वीडियो कुत्तों से खेल रहा वीडियो बिल्लियां गोद में ले लेके वीडियो अरे क्या है भाई ये तमाशा ये तुम लोग बंद करो यार ये पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का क्या बात करें यार वक्फ प्रॉपर्टीज बची कहाँ अगर अब जो भी है वक्फ़ प्रॉपर्टी रखी भी अगर हुकूमत वो मुसलमानों के हवाले कर दी लीगलली मुसलमानों के हालात सुधर जाते मगर हमारी नखीबा और हबीबा नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर मिले अब हम कहते हैं कि के सी आर ने दिया के सी आर नहीं दिया वादा करके धोखा दिया सैयद खलील आप खाली गर्ल्स को रिप्लाई दे रहे सर आप बॉय है आप गल आप गल है वो है पहले ये बोलिए मुझे अब आप, आपको भी जवाब देता हूँ मैं सदर साहब को कितने बच्चे हैं सदर साहब को कितने बच्चे है, है? मेरे क्या मालूम बाबा अच्छा अप टू हैदराबाद अलीमुलद्दीन की बीवी कोई भाभी बना के बात कर रहा कहते मैं भी सुना भाई बीवी को फ़ोन करके चला रहा फिल्म में मेरे मेरे नॉलेज में भी आई बहर हाल तला यमनी जोसेफ चीचा जोसेफ को कुछ बोलो यार जोसेफ बिजी है यार उसको क्या बोलेंगे बोलो आज कितना काम है उसको वहाँ पे कोई बोल जूते छुपाता कोई बोल रहे वहाँ पे किचन में बर्तन धो रहा अंदर मोरी के पास बैठा हुआ है भोयों के साथ समझे आप बहन भी मिलता था बोल के गाना करा करते भोइों के साथ बैठ के तो अजीब अजीब बातें आ रही वहाँ से मुसलसलों सामान उमान उठा के करके जिधर का उधर घर साफ करके आया था उसको सुबह हो जाती या फिर कल शाम तक का निकलता अंदर से बाहर उन्हें समझो घूस निकलती निकाली घूस बड़ी घूस घूस के सर का होके निकलता मोहरी में से नहीं नहीं सदर साहब आप अल्लाह की वली है मैं मोहरी में से निकल जाता हूँ बल्कि पहाड़ पे मोहरी में से नीचे उतर जाता शास्तरीपुरम में उन्हें चचा यस एम रहीम का क्या हिस्सा है आपको बहुत कुछ बोल दे रहा वीडियो में मैं तो नहीं सुना उन्हें मेरे को कुछ बोला सो खाली ये बोला मेरे को कि मैं किसी का पार्ट टू बनाने का जिम्मेदार हूँ बोल के अरे वो पैकेट को छोड़ो यार मत बात करो नौशा कौन है मालूम हुआ अब तक नहीं मालूम हुआ भाई कोई बोल रहे थे कोई कोई है कोई बिग शॉट है उनका बच्चा है बोल के पहले मालूम हुआ था ये तीसरी है ना शादी उनके ने चलो अल्लाह मुबारक करे भाई शादी हरी बच्ची की हो तो सैयद खलील थैंक यू वेरी मच बहियाल दोस्तों ये एक बड़ा बहुत बड़ा फ्रॉड हमारे साथ के सी आर साहब ने किया है कि ये सारे पेपर लगाते लोग फिर रहे हैं और वो आएगा ही सर्टिफिकेट ही दो तीन महीने के बाद आए दो एक महीने के बाद आएगा जब तक टाइम ख़त्म हो जाएगा लोग फिरेंगे वो पैसे वापस चले जाएंगे समझिए अब वक्फ प्रॉपर्टियों का हाल तो बहुत बुरा है मुझे मर गए लालजान पाशाह मरहूम एक एम पी थे तेलुगु देशम में चंद्रबाबू बाबू नायडू साहब के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बिल्कुल बहुत ही ख़रीबी राइट हैंड थे वो एम भी थे वो और ई वॉज वेरी गुड मैन एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया वो मुझे बोले थे कि एक मरतबा चंद्र बाबू नायडू ने कहा था कि मुसलमानों को कि वक्फ ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं इसको हम मजिस्ट्रेट पावर दे दिए जैसा हिंदू हिंदुओं में है आप सुने के मंदिर पर कब्ज़ा हो गया गट्टी पर कब्ज़ा हो गया और वैसा कहीं सुने आप लोग मस्जिद की ज़मीन आधी मंदिर की ज़मीन आधी हो गई नहीं सुने आप हमारे पास होते रहता मस्जिद की ज़मीन कब्जा हो गई खबरस्तान की प्लाटिंग हो गई आधा बेच दिए सलीम भी एक ज़रूरी बात मक्का मस्जिद का दरवाज़ा बैरिकेड्स के पीछे छुप गया उसके ऊपर कोई भी नहीं बोले मक्का मस्जिद का दरवाज़ा बैरिकेड के पीछे हो गया है इनशाला मैं मक्का मस्जिद के इमाम साहब को तोज्जो दिलाता हूँ कि दरवाज़ा जो है बैरिकेड के पीछे हो गया बोल के बोलता हूँ मैं उसको सीधा कराने की कोशिश करता हूँ तो सब बात हो रही थी आपकी हमारी ये लोन्स वगैरह का तमाशा और वक्फ प्रॉपर्टी की तो लालजान पशा बोले कि जब चंद्र बाबू नायडू ने, ने जहन बना लिया कि मुसलमानों की वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ को मजिस्ट्रेट पावर दे देंगे जुडिशल पावर तो अचानक एक दिन नखीबा हबीबा और ये पूरी जो क्राइम की टीम नहीं है वो की टीम लकड़ियाँ उकड़ियाँ पकड़ के पूरे गाड़ियों में लोग आ गए चंद्र बाबू नायडू के पास इमरजेंसी आके बोले बाबू साहब वो जो आप जुडिशल पावर देने की बात कर रहे हैं वो जुडिशल पावर मत दो उसको मत दो वैसे रहने दो बात करके जाने के बाद चंद्र बाबू नायडू बोला कि कैसे मुसलमानों के लीडर हैं लोग जुडिशियल पावर मत दो बोल के बोल रहे हैं अगर मैं जुडिशियल पावर दे दिया तो ये प्रॉपर्टी सेव हो जाते उस ज़माने की बात है उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आई फिर टी की गवर्नमेंट चल रही दो टर्म से सारे प्रॉपर्टियाँ तबाह हो गए तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग जुडिशल पावर क्यों नहीं चाहते हर हुकूमत को दबाव डालते हैं कि मत दो वो लोग भी बोलते जान दो मुसलमानों की क्योंकि बेच के खाने में आसानी होती ये जो खबरस्तानों पे इस पे उस पे मुशदाँ उशदा बैठे हुए है, हैं, मस्जिदों पे बैठे हुए है, हैं जितने मुसलमानों के जो वफ़ के ज़मीनत है मस्जिदें होब्रस्तान हो, हो किराए पे प्रॉपर्टीज़ हो सब के ऊपर ये बैठे हुए हैं और ये लोग नहीं चाहते कि जुडिशल पावर हो क्योंकि ये अचानक क्या करते हैं ख़बरस्तान में मिट्टी डाल डाल के एक 200 सौ गज़ का प्लाट निकाल के जो है चलो पोतरे की शादी कर दिए ख़वाली ख़बरस्तान में ख़वाली होते होते जो है उधर उधर बिछा के तखत रखते रखते जो है उधर मट्ठी डाल दे के उधर से मलगियाँ निकाल देते चार इस तरीके से वक्फ़ प्रॉपर्टी ख़बरस्तान मस्जिद के ज़मीन मस्जिद के घर फला जो जो भी है इस तरीके से अब पहाड़ी शरीफ है पहाड़ी शरीफ की दरगाह के पीछे हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब खिबला रमत चार हज़ार एकड़ वक्फ़ लैंड थी बारह सौ एक्ड़ वक्फ़ लैंड एयरपोर्ट में चलेगी एयरपोर्ट वाले खा गए अब नकीीबा हबीबा ख़ाली देखते रहे गुजरात के मुसलमानों को इंसाफ़ दिलाने जा रहे हैं यूपी के मुसलमानों को इंसाफ़ दिलाने जा रहे हैं बिहार के मुसलमानों को इंसाफ दिलाने जा रहे हैं मैं मरे मैं मर गया तो क्या करोगे मेरे बाद आज मैं हूँ आवाज़ उठा रहा हूँ कल क्या होगा वहाँ जाके पुकार रहे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जनाब बारह सौ आपके रहते हुए एयरपोर्ट में कैसा चलेगी एक सवाल का जवाब दे दो मेरे को बस है काफ़ी है बारह सौ एकड़ किसको बोले एयरपोर्ट का जो जहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता शुरू हो रहा जो आप अंदर इंटर लेते एयरपोर्ट जाने तक करीब करीब बारह सौ ज़मीन पूरी वक्फ़ ज़मीन है बाबा शरफुद्दीन साहब रहमत लैंड अभी इस वक्त राइट नाउ बाबा शरफुद्दीन साहब रहमत लि की पहाड़ी के पीछे बहुत बड़ी प्लाटिंग हो रही है एक दरगाह भी साफ कर दिए उसके अंदर और कोई आरएसएस वाले नहीं करने काम वो कोई बीजेपी के एमएलए एमपी नहीं करने काम वो अब आप सोचो कौन कर रहे होंगे किसका हाथ होगा वहाँ पे वहाँ पे कॉलोनी बनेगी वकफ लैंड पे हो वक बोर्ड भी खामोश बढ़ जाएगा क्योंकि आनाकुंडा के सामने वक्फ बोर्ड चेयरमैन कुछ भी नहीं है अनाकोंडा एक मिनट में वक्फ बोर्ड चेयरमैन को निगल के जैसा गोल फिरा तो गायब हो जाता उन्हें बड़ा सांप लेके फिरता देखो अब गोल ऐसा पेट में हजम हो जाता है एक मिनट में निकाल देते उसको सीट पे से चेयरमैन को कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे बड़े साहब का हाथ है ख़त्म हो गए बात मंजिले साहब का हाथ है ख़त्म कौन लोग हैं जो पहाड़ी शरीफ के पीछे इस वक्त प्लाटिंग कर रहे हैं सोचिए आप याद रखो जब वो हराम का पैसा अपने घर में लाते हो एक्सीडेंट हो के बच्चे मर जाते मर्डर हो जाते घर में मस्जिदों के घर खा गए ईदगाहों के घर खा गए ईदगाह की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिए नालों पे कब्ज़ा कर लिए ये हराम के पैसे घर में लेके आए तो घर में बीमारियाँ परेशानियाँ कैंसर ये तमाम चीज़ें आके तबाह हो जाते अल्लाह के ज़मीनों को हाथ मत लगाओ ये अल्लाह के नाम के ज़मीन खा के दुनिया में आयश कर रहे हैं बड़े बड़े बंगले बड़े बड़े कारा लेके हैं लेकिन तुमको जवाब देना है इस ज़मीनों का अब्दुल लतीफ़ मुबारकबाद दे दिया सबसे पहले स्टार्टिंग में दे दिया हमें जामे निज़ामिया का ऑडिटोरियम कब तक बनता कहते बनता भाई गवर्नमेंट जैसे जैसा बजट देते गई बनते जाता आहिस्ता आहिस् क्या होने का है वो बने तो कौन सा मुसलमानों के मसाइल हल होने वाले क्या जामे निजामिया का ऑडिटोरियम बन गया तो क्या मुसलमानों के मसाइल हल हो जाते क्या मुसलमानों को बारह परसेंट रिजर्वेशन मिल जाता क्या मुसलमानों को दलित बंधु स्कीम की तरह एक पाँच पाँच लाख रुपए गरीब मुसलमानों को आ जाते क्या माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन से ऑटो रिक्शा बंडिया आला फला ये सब गरीबों को मिल जाते शेख हुसैन सलीम भाई नेक्स्ट चेयरमैन मीनार एम रहीम भाई बनता कहते ना अच्छा है ना भाई लड़के बनने दो ना रहीम भाई को एम एल ज़रा तब्दीली भी आती ना बाहर निकल के बने तो पैसा भी है उनका ने साढ़े पाँच करोड़ है उनका ने जाके लड़ सकते इलेक्शन फिर घर में चैनल है जो चाहे बता लो उसके ऊपर रहीम भाई हंस रहे हैं रहीम भाई खेल रहे हैं रहीम भाई बेड पे लेट के गाना गा रहे हैं रहीम भाई टोपी पहन के नमाज को जा रहे हैं दरगाह में से निकल रहे हैं क्या भाई अब तो हर मोमेंट बता सकते आप मैं जम बनके बन के वहाँ के मसाइल हल करते होंगे उन्होंने हल, मस्जिद अल्लाह का घर और वफ़ अल्लाह की अमानत अजहर मोहम्मद ये तो आपको हमको मालूम है लेकिन जो खा रहे हैं लोग उनको नहीं मालूम क्या ये बात एक आपको मैं मिसाल देता हूँ आजकल सूद सूत सूत का कारोबार भी बहुत बढ़ा हुआ है जहाँ यह मर्डर हैदराबाद के पुराने शहर के अंदर जो मुसलसिल हो रहे हैं पुलिस का लाइन आर्डर फेलियर है होम मिनिस्टर साहब जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आज तक हिंदुस्तान की आज़ादी के, के बाद से आज तक इतने बेकार होम मिनिस्टर आए नहीं कोई काम के ना काज के दुश्मन ना नाच के कुछ भी नहीं है उन्होंने बिल्कुल टोटल ज़ीरो है वेकअप टू तो हैदराबाद टनूर उद्दीन अवीसी को बनाओ बोल रहे अकबर की हिदायत पे हो रहा ये क्या ये अरे नहीं नहीं वही वह अकबरुद्दीन वगैरह की हिदायत पे नहीं होता ये वो लोग नहीं बोलते सुबह ऐसा नहीं लगा लेते वो लोग इतने चिल्लर लोकल गैंग को उन लोगों का लेवल अलग है ऐसा लगा के छोड़ दे रहे हैं वो कर रहे हैं एक अवाम के अंदर ये है इनके पीछे कोई है बोल के इनके पीछे कोई भी नहीं है इनके पीछे ये माल उठा लेके जो है शुरू हो जाते शाम होते नाइनटी एम का हिस्सा है हो। तो वो समझे आप तो लाइट लो वो चीज़ को जो है प्रमोट मत करो प्लीज़ डालो भी मत प्रोमोड भी मत करो उन लोगों को लोकल गैंग वो सलीम भाई जो जो को आप टीआरपी दे दिया वो थोड़े वीडियो डाला ना मैं उसके अंदर हो गया तो जनाब अली बात हो रही थी वफ़ जमीनों की तो चंद्र बाबू नायडू को भी बोल दिए लोग अब केसीआर को भी शायद लोग हाथ रख दिए कि वफ़ जमीनों का वो मध्य बोल के उन्हें ही बोला जाने दो बेच के खा रहे हैं लोग खा लें दो बेच के खा रहे हैं बहुत मज़े में लोग बेच के खा खा के समझे आप सलीम भाई वो पाकिस्तान जाके भाभी लाता कहते हैं मुंबई का आशिक वीजा नहीं मिला ना उसको समझे आप टी आर पी आप दिया जोसफ को शेख हुसैन हाँ मैं दिया यार अब ऐके बोले बोलो 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 आप लोग पीछे लगे में बोला तो उसको टी आर पी मंगे उमा फ़ातिमा सलीम अंकल लाइफ ख़त्म करने से पहले दुआ कीजिए ओके उजमा फ़ातिमा ज़रूर दुआ करता हूँ मैं आप मेरे लिए आप तमाम के लिए इंशाल्लाह दुआ करके ख़त्म करता हूँ मैं चीचा सुधीर कमेटी के रिकमेंडेशन का क्या हुआ तला यमन कुछ भी नहीं हुआ हमारी हालत बहुत ख़राब है फिलोखत हम थोड़े से लोग टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट लोग अगर ये समझ रहे हैं के मुसलमान बहुत अच्छा है हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद में तेलंगाना में तो आप वो मत देखो आप आप जाके सम एरियाज़ देखो लोग किस तरह पड़े हुए हैं सलम एरियाज के अंदर किस बुरी हालत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग कल मेरे पास एक साहिब ख़ैर मुझे कॉल किए बोले एक पचास हज़ार रुपये मैं कुछ ग़रीबों में देना चाहता हूँ मैं बोले एक काम कीजिए आप मैं आप आइए आके मैं बुलाता हूँ उन लोगों को कुछ पेशेंट्स है वे पेंडिंग रुके हुए हैं मेरे पास आप आप खुद दीजिए अपने हाथ से देके जाइए नहीं 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 मैं आप दीजिए मैं बैठता हूँ बोलें बोले आप आइए आप चाय पीजिए मेरे पास तो वो मेरे पास आए बैठे उसके बाद वो सारे फैले हैं वो सारे पेशेंट को मैं उनके पास अंदर भेजा दिया अनखाने में पूरे देख के पचास हज़ार रुपये दिए मुझे बोले इतने इतने लिफाफे में डालो आप ही डाल दीजिए पाँच हज़ार चार हज़ार छः हज़ार जो डाल रहे हैं आप डाल दीजिए फाइल के हिसाब से देख के वो बेचारे डाल दिए और मैं दे दिया आप लोगों लाइव देखे नीचे है वीडियो वो चले जाने के बाद मैं चाय वगैरह लाया उनके साथ में बैठा तो बड़े आज़ुर्दा हो गए बोले कि क्या हाल है मुसलमानों का क्या बीमारी है घर में खाने को नहीं है मैं बोला जनाब अली जो लोग आए हैं यहाँ पे उनको किराए के पैसे नहीं हैं वो लोग ये बोल के आटो में आए हैं किसी से उधार लेके कि मैं सलीम अंकल बुलाए पैसे देने के लिए कोई उनके दोस्त पैसे बांट रहे हैं वो लोग आए हैं वो किसी से उधार लेके आए पाँच सौ रुपये तीन सौ रुपये ऑटो में बैठ के आए हैं अब जाके ये पैसे लेके जाके उनको वापस देंगे एक उसमें से जाके मुझे फ़ोन करके कहती अंकल मैं अभी जाके जो है थोड़ा राशन लेके आ ली पैसों में मेरे शोहर की दवा ला ली मैं मैं बोला वो मेरे दोस्त को दवा दीजिए जो कल पैसे बांट के गए तो मैं उन लोगों को बुलाता हूँ आके बैठो आप लोग को वीडियो कैसा दिखता है कि मैं अपनी तरफ से बांट रहा हूँ रज़ाईलई फाउंडेशन का जबकि मैं उनको बुलाता हूँ बैठ के आप सबको देख के अपने हाथ से बांट दो वीडियो में नहीं आना चाहते आपका नाम नहीं लेना ओके नहीं लेते आप पर्दे के पीछे रहो वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि और लोग भी देखें आपकी तरह आप जैसा देख के आए वैसा और लोग भी आए तो मुसलमानों के हालात राइट नाउ बहुत ख़राब है आप लोग भी सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक दूसरे की मदद कीजिए चीछा ये राइट विंग वालों को सदर साहब उसके मुसलमान को बदनाम कर देते सदर साहब का छोड़ो यार उनका काम ही वही है खाली माल कमाना रख दे के मर जाना खारों का ख़ज़ाना जमा कर रहे हैं लोग देना दिलाना कुछ भी नहीं इनकमिंग फ्री है आउट गोइंग नहीं है लोगों के पास बहर दोस्तों इजाज़त दीजिए मुझे काफ़ी देर से आप लोगों के साथ बैठा मैं मैं सिर्फ़ आया हैदराबाद मर्डर्स के लिए बात करने के लिए आप लोग घोष से सवाल पूछ लिए तो चलो आप लोगों को एक वो भी रहती कि मेरे हमारे सवाल के जवाब नहीं दिए तो मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दिया अब्दुल रहमान चिचा यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का क्या हुआ देखो आप कितना अच्छा सवाल कितना अच्छा सवाल रहमान साहब ने पूछा है कितना अच्छा सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या हुआ समझे आप ऐसे सवाल पूछो यार ऐसे सवालों के ऊपर डिस्कस करो लाइव में बैठे तो मतलब आप लोग भी जो है ये फालतू तो क्वेश्चंस पूछने की बजाय उन्हें ऐसा करा उन्हें आपको ये बोल रहा वो उन्हें ऐसा बोल रहा उन्हें ऐसा बोल रही छोड़ डालो आप लोग सब्जेक्ट के ऊपर आओ बात करो अपन सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे शेख हुसैन जी म, कभी भी मिली आप मेरे से भाई तो आल बर्कस एंड हैदराबाद हैदराबादी चिचा दावत में नहीं गए गया था भाई खाना ख़त्म हो गया तो वापस आके अब घर में खाया वहाँ पे ख़त्म हो गया खाना वहाँ पे समझे आप आठ सौ आदमी का बनाए हज़ार आदमी खा लेते समझे लेकिन जो है वैसा नहीं हुआ झाँकुआ हो गया ख़त्म हो गया आखिरी दस्तर का बचा हुआ था ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया बोले तो सब जने पलट के निकल गए बाकी मुरीदा मैं भी निकल गया लोग अभी वापस जा रहे ना बोल के कॉमन सिविल कोड का बिल जो है पार्लियामेंट राज्यसभा में डाल दिए प्राइवेट बिल अब उसके ऊपर हो भाई लेट हो गया हमें थोड़ा सा जाने में अभी उसके ऊपर बहस होना है कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस समाजवादी पार्टी आरजेडी जे लोगों ने बहुत गड़बड़ की बिल को सबमिट करते टाइम प्राइवेट बिल को लेकिन टीआरएस आर खामोश रही राज्यसभा में वाई एस खामोश रही आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना बहुत ज़्यादा पुकारा कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ कामन सिविल कोर्ट के बिल के ऊपर उनके एमपिस खामोश क्या मतलब हो गया अन्ना बीजेपी से सेटिंग से में है इसका मतलब है कविता मैडम को कुछ भी नहीं होता कविता मैडम के वास्ते कुछ भी कर देते हो नो स्टेट हमारा सेंट्रल तुम्हारा बोल के जो है काम कर लेके आते ना दिल्ली में बैठ के वो बी आर एस वी चलने वाली नहीं है वो कौन पहचानता है इनको नॉर्थ इंडिया में सब अपने अपने पार्टियां हैं सबके और दूसरी चीज़ वाई एस आर कांग्रेस वाई एस आर कांग्रेस भी बिल खुद खामोश हो गई कॉमन सिविल कोड अब उनकी बहन यहाँ फिर रहे वाई एस आर वाई एस आर मेरी पार्टी बोल के अरे जाओ मामा जाके भाई के साथ तुम होम मिनिस्टर ये वो कुछ भी बनो भाई बहन दोनों मिलके आंध्रा चलो यहाँ तेलंगाना के अंदर कह कोई सर्दी में उसमें कुछ भी हो गया फालिश का अटैक मारा कुछ भी मारा गाँव में गलियों में सांप काट दिया बिच्छू घुस गया कुछ भी हो गया तो जो जान जवान औरत मर जाएंगे तुम जाओ भाई कहने जाओ आंध्रा को जाके वहाँ पे जो है कुछ तो भी लेके दोनों मिलके कमाओ वहाँ पे पैसे अब तुम कोई चीफ मिनिस्टर बनाना तेलंगाना का यहाँ बहुत है पहले मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर तो नहीं डाले दोनों ने डाले के सी आर और वाई एस आर ये दोनों भी गड़बड़ नहीं करे आप लोगों की इतला के लिए पहले तो सिर्फ एक मैं सबसे पहले मैं बोला कॉमन सिविल कोर्ट का याद होगा आप लोगों को याद है आप लोगों को सबसे पहले लाइव में बोला मैं कॉमन सिविल कोर्ट का जिस दिन बिल पढ़ा आप लोगों को अवेयर करा मैं उस अवेयरनेस के बाद एक बयान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी का बयान आया कॉमन सिविल कोड मुल्क के लिए नुकसानदेह है ये मुनासिब नहीं है एक बयान खालिद मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब का बयान आया ऑल इंडिया लॉ बोर्ड की तरफ से और एक जगह कहीं देखा कुछ दानिश्वरा ने मिल्लत बैठ के कामन सिविल कोर्ट के ऊपर एक मीटिंग कर रहे हैं एक वीडियो देखा मैं उससे हट के अभी तक आवाम के अंदर किसी को नहीं मालूम कामन सिविल को क्या है हमारे पास ये यही है कि कौम को सुला दिए कौम को ऐसा सुला दिए कि सारे के सारे मुसलमानों के मसाइल मुसलमान लीडर देख लेते आपको सोचने की जरूरत नहीं है नखीबा हबीबा सब देख लेते आप सोते रहो आपको जो है अफीम की गोली खिला के कौम को दिए दिएम को ना वक बोर्ड मालूम ना वफ़ के ज़मीना मालूम ना बारह परसेंट रिजर्वेशन मालूम बाबा ऑटो चलाते थे बेटा भी ऑटो चला रहा बाबा फुटपाथ पे मौज बेचते थे बेटा भी मंडी पे मौज बेच रहा उनके बेटे तरक्की कर रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं कमा के करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए, चीचा आपके एडिट फोटोज़े भीख मांग भीख मांगते हुए रहने दो शेख हुसैन क्या होने का ये पोटे डाल लिए तो चीचा आपका बहुत फ़ोटोज़ एडिट करे सो है एक आईडी में वो आईडी वाले का कंप्लेंट तैयार है ने मंजलिस बोल के आज ही मैं एसीपी साइबर क्राइम के पास जाके आया और उनको दिया तो बोले पेन ड्राइव में डाल के दो ये जितने भी ये जो फ़ोटोज़ एडिट करके डाल रहे हैं उनको तो अभी शाम में जाके मैं दो पेन ड्राइव लाया ये दो पेन ड्राइव लाया देखिए ये एक पेन ड्राइव ये एक पेन ड्राइव रेडी है पेन ड्राइव एप्लीकेशन भी लेके जाके असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस को दिया ये पूरों का है इसके अंदर जन्म पत्री देखो आप इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम आज की डेट है ये पूरे लगा के दिया मैं देखो आप मुखालिफिन मंजलिस का इसको भी अंदर करता हूँ इसका भी एफ निकलता ये पूरे लिंक्स लगे हुए हैं, ये एक और एक एफ आई है ये वो उसके ऊपर चलाए थे किसपे जुमेरात थे चीचा जो और इससे पहले भी जुमेरात के दिन ही चाहिए था ओके बस इंजॉय इंजॉय जुमेरात और चीचा सदर साहब को डिफेंस मिनिस्टर बनाना कहते जोजफ बोल रहा हो बोल रहा हूँ ने कई को बोले तो रजा अली जवर वालेकुम असलम कहीं को बोले तो वहाँ जाके जंगल में प्लाटिंग करेंगे अभी हैदराबाद में तो सब ख़त्म हो गई वहाँ पहाड़ा वाला बहुत है चाइना के बॉर्डर पे लद्दाख पे वहाँ की प्लाटिंग की तैयारी है बहरहाल अल्लाह सुबह वाली से दुआ है कि अब मेरा लाइफ ख़त्म हो गया दोस्तों सिर्फ लाइन आर्डर मर्डर्स के ऊपर मैं आया था और दुआ फरमाएंगे दुआ क्या करेंगे अल्लाह सुबहान तला से मांगेंगे किला सुबह वाली हैदराबाद के अंदर अमन का माहौल पैदा फरमा या रबुलमीन या रहमान रहीम जो कोविड की जो नई ख़तरनाक लहर के बारे में बात हो रही है दुनिया में कि बहुत ख़तरनाक है ये जिसमें लाखों लोग मर सकते हैं इस कस्म की बात चल रही है ख़ुद चाइना में कई लाख लोग मरने की अखबारों में और सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ रही है और वहाँ से निकलेगा तो पूरी दुनिया में फैलेगा या अल्लाह हमको उस बीमारी से महफूज़ फरमा या अल्लाह हम दवाखानों के बिल नहीं भर सकते हम द, ये दवाखानों की लूट मार जो शुरू होगी ये लाखों रुपए के बिल और उसके बाद लाश लेके घर आना ये हमारे बस का नहीं है परवरदिगार कई लोगों के घर बिक गए तबाह हो गए ताराज हो गए अगले कोविड के अंदर जो तबाह हुए घरें बिक गए लोगों के सोना बिक गया बिक गया मकान बिक गए प्रॉपर्टीज़ बिक गए दुकानें बंद हो गई या रबुलमीन हमको ये आने वाली बीमारी से ये कोविड की हमको बचा लें मौला और ये ये बीमारी हमारे इंडिया में या हमारे तेलंगाना में ना आए और पहले ही हम परेशान परवर परवरदिगार हमको ये बीमारी से बचा ले हमारे हैदराबाद को किसकी नज़र लग गई मालूम नहीं मालूम आए दिन हैदराबाद में खून ख़तल चाखुजनी मामूली मामूली बात के ऊपर पार्किंग के ऊपर तलवारें निकाल के मार रहे हैं पार्किंग गाड़ी की पार्किंग के ऊपर एक कलमा को मुसलमान दूसरे कलमा को मुसलमान को जो है पार्किंग के मसले के ऊपर मार रहा है चाको तलवार तो ऐसी हो गई है कि बस मामूली मामूली बात के ऊपर ला के भोक रहे हैं एक दूसरे को परवरदिगार मुसलमानों को ये जो आपस में लड़ रहे हैं परवरदिगार इन लोगों के अंदर मौला दीन दीन इनके अंदर जो है सही दीन इनके अंदर परवरदिगार भेज और जो हमारे इमाम खतीब हमारे उलमाए कराम हैं परवरदिगार उन तमाम से उन तमाम को परवरदिगार जुबे के खुतबों में जो है मुसलमानों को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मसाइल हो रहे हैं परवरदिगार उसके ऊपर वो खुतबे दें मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ सैकड़ों लड़कियां जाके मंदिरों में शादी कर रही हैं परवरदिगार हमारी माशरे को हमारी कौम को ये ज़िल्लत से हमको बचा ले मौला इन लड़कियों को नेक तोहफ़ी ख़ता फरमा जो अगर के पास जाके जो जा है मुसलमान होके शादी कर रही हैं परवरदिगार देख देख के हमको मौला तकलीफ़ होती है कि ये कैसे हो रहा है कि हमारी मुसलमान लड़की और गैर मुस्लिम से जाके मंदिर में निकाह कर रही है बट्टू लगा रही है और हम देख रहे हैं परवरदिगार या अल्लाह हमको ये दिन मत दिखा उन लड़कियों को नेक तोफ़ी खता फरमा या अल्लाह मुसलमानों के लड़कियों को जो कौम की असल दाई हैं जो बच्चे को अपनी गोद में जो है दूध पिला के जो है दीन की तालीम देती हैं या अल्लाह हमारी लड़कियों को बच्चों को अपनी गोद से दीनी तालीम देने की तोफ़ी अतः फरमा हमारी कौम की खातन की हिफाज़त फरमा वही कौम की खवीन हैं जो नस्लों को परवरदिगार नस्लों की जो है परवरिश करती है तो हमारी खवतान की जो है आप हिफाज़त फरमाइए उनको जो है नेक बनाइए परवरदिगार और जो लोग अपनी अपनी औरतों को अपनी बच्चियों को अपनी बेटियों को नौकरियाँ करवा रहे हैं जो आई टी कम्पनी में भेज रहे हैं दूसरी जगह भिजा रहे हैं बिना किसी मजबूरी के बिना किसी शदीद मजबूरी के के बच्ची जॉब करना चाह रही जॉब करवा रहे और उस जॉब में जाकर वो लड़कों के साथ जब मिल रही है तो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ वहाँ बुराई पैदा हो रही है वो उनकी मोटरसाइकिल पे बैठ के उनके साथ आ रही है और आते आते उनकी कार में आते आते उनके साथ खाना खाते खाते उनके साथ जॉब करते करते शिफ्टों में उसके बाद वो लड़की उसी के मज़हब के अंदर चली जा रही हमारी लड़की हमारी गलती है कि उसको नौकरी करवाना और ये समझ रहे हैं कि हम लड़की को इतना पढ़ा दिए तो वह जॉब करेगी सारी आज जो बुराई की जड़ है वो नौकरी है मैं जितने केसों की स्टडी किया उन तमाम केसों में मुझे ये मिल रहा कि लड़कियां जो औरतें जॉब कर रही है वो जॉब के अंदर बुराई पैदा हो रही है तो अल्लाह के लिए मैं मुसलमानों से अपील करूँगा कि अपनी घर की इज़्ज़त को आप लोग जो है आप लोग जो है नौकरी मत करवाइए या फिर आप तैयार रहिए कि आपकी गोद के अंदर भी फिर राम और लक्ष्मी खेलेंगे आप राम और लक्ष्मी के नाना और दादा बनेंगे तो खुदा के लिए अपनी बच्चियों को नौकरी मत करवाइए जितनी भी तालीम दिए घर में बिठाइए अल्लाह उनके अच्छे रिश्ते लाएगा अपने अपने शरीफ लड़कों से उनकी शादी कीजिए जॉब के लिए नौकरी के लिए जब औरत का लड़की का लड़की का कदम घर के बाहर निकलता है तो उसके बाद लड़की जो है मैली होने से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है इसीलिए औरत की कमाई को जो है गैरतमंद मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता कि औरत कमा के लाए और मर्द खाए घर में परवरदिगार हमारी औरतों के ऊपर रहम फरमा हमको ऐसी हमारी ख़वातियों में ऐसी औरतें पैदा फरमा जैसे हज़रतलाद्दीन अयूब रहमतल्ल की वालिदा को आपने पैदा फरमाया था सलाहुद्दीन अयूबी की वालिदा बहुत खूबसूरत थी बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते आते लेकिन आप उन रिश्तों को आप जो है पसंद नहीं फरमाती आखिरी में उनके उनके एक पीर ने पूछा कि आप कैसा रिश्ता चाहती हैं बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते ठुकरा रहे हैं तो आपने फरमाया मैं कैसे दीनदार मुसलमान का रिश्ता चाहती हूँ जिसके दिल में बैतुलमुद्दस की फ़तेह बैतुलमुदस की बाजियाबी का जज्बा हो मैं परवरदिगार से दुआ करती हूँ कि मुझे ऐसा नौजवान मिले तो मैं शादी करूँ फिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि एक साहेब आए उसी पीर के पास उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी लड़की को चाहता ऐसी लड़के को शादी करना चाहता हूँ जिसके दिल में अल्लाह का डर हो और बैतुलमुद्दस जो है फ़तेह करने की तमन्ना हो तो आपने कहा कि खातून को मैं जानता हूँ अभी बुलाता हूँ उन्होंने सलाउद्दीन ऐबी रमत की वालदा को बुलाया और आप दोनों का निका हुआ और ये आप दोनों यही दुआ करते रहे कि अल्लाह हमारी औलाद में कैसी औलाद पैदा फरमा जो बैतुलमुद्दस को ये यहूदियों के हाथ से जो है आज़ाद करे तो अल्लाह सुबान ने उनको एक, एक बेटे से सरफराज फरमाया और उस बेटे का नाम तारीख़ इस्लाम में सुनहरी अल्फाज में लिखा गया फ़ातह बैतुलमुद्दस हज़रत सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमत जो हज़रत नूरुद्दीन उद्दीन जंगी रमत ल आप सिप सालार थे आपने उन तमाम फिरंगियों को मार कर आपने जो है बैतुलमुद्दस को फ़तेह किया था तो ये हमारी ख़वात होती हैं जो बच्चों को परवरिश करती है या रब्बुलमीन हमारी कौम की ख़वा की हिफाज़त फरमा ताकि हमारी ख़वात में ऐसी बच्चियाँ पैदा हो जो अपने बच्चों को दीनी तलीम से आरसा करे और बच्चों को जो है उनको दीनी तालीम बताएं उनको कि हमारा दीन क्या था हमारा जिहाद क्या था हम क्या थे हमारे असलाफ क्या थे हमारे बुज़ुर्ग क्या थे हमारे नबी करीम वसल्लम क्या थे साहबा इकराम क्या थे ताबैन तब तबइन क्या थे और बुज़ुर्गान दीन क्या थे कि उन्होंने क्या किया ये तमाम तारीख़ जब तक वो कौम जब तक दुनिया में तरक्की नहीं करती जब तक वो कौम को, को अपनी तारीख़ का इलम नहीं होता तो मुसलमानों तारीख पढ़ो आप अल्लाह के नबी की तारीख़ पढ़ो आप साहबा कराम की तारीख़ पढ़ो आज कल तो यूट्यूब के ऊपर भी है आप यूट्यूब के ऊपर जाके तारीख़ सुनो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की शेर आपको जो है अल्लाह की तलवार कहा गया आपको सैफुल्ल का खिताब अल्लाह के नबी ने अता फ़रमाया अल्लाह की तलवार है कभी कोई जंग नहीं हारे आप लाखों के लश्कर के सामने खड़े के लड़ते रहे इस्लाम को आपके दौर में गलबा आता हुआ आदि दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत हुई तो ऐसे ऐसे बहादुर मुसलमानों की कौम के अंदर माओं ने पैदा किया या अल्लाह वैसी माओं को मुसलमानों के अंदर पैदा फरमा हमारे अंदर बहादुर पैदा फरमा या अल्लाह हमको ये कामन सिविल कोड जैसे जैसी लानत को ला रहे हैं हमको हमारी कुरान और हदीस को हमसे दूर करके हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कामन सिविल कोड लाकर हमको नाम का मुसलमान बनाना चाह रहे हैं लेकिन परवरदिगार हमको आखिरी सांस तक कामन सिविल कोर्ट के ऊपर लड़ने के लड़ने वाला बना हमारे बच्चों को और हमारे अड़ोस पड़ोस हमारे ख़ानदान के बच्चों को हमारी औरतों को रोड पे निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में कामन सिविल कोर्ट के खिलाफ लड़ने वाला बना या परवरदिगार हमको वो वो सब कुछ फरमा परवरदिगार जो आपने उन लोगों को अता किया था जिन्होंने इस्लाम के लिए दस हज़ार का लश्कर लेकर एक लाख के मजमे को जाके चितर चर बितर कर देते थे मौला दस हज़ार का लश्कर एक लाख के जो है बड़ी बड़ी फ़ौज को जो है तहस नहस कर देते थे या अल्लाह हमें वो मुसलमान पैदा फरमा हमारे बच्चों के अंदर परवरदिगार बहादुरी पैदा फरमा दीन दीन के लिए लड़ने की बहादुरी फरमा रब्बुल आलमीन हमको पांच वक्त का नमाज बना दे मौला या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे बहुत गुनहगार हैं बहुत ख़राब हैं मौला लेकिन आपसे बख्शिश की उम्मीद रखते हैं हमेशा कि अल्लाह व तआला हमारी बख्शिश फरमाएगा या अल्लाह हम जो आज आपस में दस्त तो गबा हैं परवरदिगार आज आज एक ज़माने के बाद सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आज जालिम आपस में लड़ रहे हैं परवरदिगार या अल्लाह उनको आपस में निस्तो नाबूद कर दे ये रशिया जिसने दस लाख मुसलमानों को के खतलेआम के अंदर सीरिया में दस लाख सुन्नी मुसलमानों को कतल करने में रशिया बमबारी करता रहा या आज रशिया और यूक्रेन यूक्रेन बोस्निया में जब मुसलमानों का खतलेआम हो रहा था बोस्निया के अंदर तो ये यूक्रेन के फ़ौजी मुसलमानों का चुन चुन के आम कर रहे थे या ला आज यही यूक्रेन और यही रशिया जो मुसलमानों कातलेम करने वालों में है आज ये आपस में एक दूसरे का खतलेआम कर रहे हैं आज यूरोप जिसके अंदर नखाब निकाल के हमारी मुसलमान औरतों के ऊपर थूका गया मुसलमान औरतों के नखाब खींचे गए या अल्लाह हमारी कुरान शरीफ़ को जलाया गया या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए गए मज़ाक उड़ा गया परवरदिगार आज वो यूरोपियन कंट्रीज़ और रशिया आइटम बम के दहाने के ऊपर हैं कह रहे हैं कि रशिया आइटम बम डाल देगा यूरोप के ऊपर या अल्लाह दला दे आइटम बम उस कौम के ऊपर जिसने हमारे नबी का मज़ाक उड़ाया हमारे नबी के कार्टून बनाए आपकी कुरान मजीद को जलाया और आपकी बुरख़ा पहनने वाली नखाब करने वाली हिजाब करने वाली बेटियों के नखाब पकड़ के लोच नोच के उनके मुंह के ऊपर थूके परवर दिगार या अल्लाह उनके ऊपर न्यूक्लियर बम की बारिश फरमा या अल्लाह उनको आपस में ऐसा लड़ा दे कि जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वार में ये लोग आपस में लड़ के तबाह हो गए थे उसके बाद से ये मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के नाम पे सारी दुनिया में मुसलमानों को मारते रहे कभी अफगानिस्तान में इन्होंने मुसलमानों को लाखों मुसलमानों को शहीद किया आ, कियाबिया में किया फ़लस्तिन में किया आपके जो है हर 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 मुल्क के अंदर इराक़ में किया सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर इन्होंने मुसलमानों का खत्लेम किया दूसरी वर्ल्ड वार के बाद से आज तक लेकिन आज पहली बार ये हरामजादे आपस में लड़ रहे हैं मौला या अल्लाह वो यूरोप को नस्त नाबूद कर दे वो फ़्रांस को नस्तो नाबूद कर दे जो मुसलमानों का दुश्मन बना हुआ है जो जो मुसलमानों के दुश्मन है सारे या अल्लाह उन तमाम को मौला एक 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 बम के अंदर उनको तबाह ताराज कर दे और मुसलमानों को दुनिया में गलबा गलबाता फ़रमा अस्सलाम या अल्लाह इन तमाम दुआओं को या अल्लाह कबूल फरमा हम बड़े गंदे बंदे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद से या अल्लाह हमारी हालत बहुत ख़राब थी हमको आ, ऐसा लग रहा था कि हमारा कोई नहीं हमारा पूछने वाला कोई नहीं हमारा देखने वाला हमारे परवरदिगार कहाँ हैं हमारे परवरदिगार हमारे साथ इंसाफ़ नहीं कर रहे हैं ये लोग हमारे ऊपर बम डाल रहे हैं हमारे मासूम बच्चों को सैरन बज रहा है रमज़ान का सैरन हो रहा है इफ्तारी के लिए हाथ बढ़े हुए हैं रशिया के प्लेन सीरिया में बमबारी कर रहे हैं एक बार तो रमज़ान में मैं वो न्यूज़ देख के इतना रोया इतना रोया बोला अल्लाह ये लोग रोज़ा खोल रहे हैं खाने के लिए दस्तर पे कुछ नहीं है और ये रशिया के प्लेन सैरन बज रहे हैं लोग कारपेट बम्बिंग कर रहे हैं पूरी बस्ती की बस्ती को इन्होंने मार के जला दिया मासूम बच्चे औरतें सब तबाह हो गए या रबुलमीन इंसाफ फरमा आज इंसाफ हो रहा है वही रशिया के लाखों फ़ौजी मर रहे हैं वही यूक्रेन के फ़ौजी मर रहे हैं और वो यूरोप के ऊपर आपका अजाब नाजिल होने वाला है या ला इन अरामियों के ऊपर आपका अजाब नाजिल फ़रमा दे और हमारे दिल को सुकून अता फ़रमा मौला हमारे जितने मुसलमान शहीद हुए हैं परवरदिगार जालिमों के जुल्म से मौला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमा या अ हिंदुस्तान में आज हमको जो तंग कर रहे हैं परवरदिगार एक दिन आएगा आप इनसे भी इंतकाम लेंगे जिन्होंने हमारी मस्जिद को तोड़कर या अल्लाह वहाँ पे बुतकदा बनाया मौलान हमको यकीन एक जलजिला आएगा और एक जलजले के अंदर सारी इमारतें ज़मींदोज हो जाएगी हमको यकीन है या पानी का अजाब आएगा सारे के सारे ये शहर डूब जाएंगे इसके अंदर पता भी नहीं चलेगा कि कभी यहाँ पे कोई शहर था क्योंकि तारीख के अंदर ऐसे कई वाक़ हैं जो हमको देखने को मिल रहे हैं कि बड़े बड़े शहर ज़मीन के नीचे चले गए तो यह अल्लाह आपका अजाब किस शक्ल में आता है कभी हवा की शक्ल में आता है कभी पानी की शक्ल में कभी बम की शक्ल में मजाइल की शक्ल में कभी आग की शक्ल में आग लग जाती है या अल्लाह ये जालिम जो हमको सताते आए ताकत के नशे में बोला इन तमाम इस्लामी फोबिया के जालिमों को नस्त व नाबिद कर दे आपस में लड़ा के इनके आबादियों को ख़त्म फरमा जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बना के हमारा मज़ाक उड़ाते रहे या अल्लाह हमारी दुआओं को कबुल फरमा अमन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्हल के सद् तुफ़ेल में हमारी दुआओं को कोबूलियत बख्श अल्लास सैद ना मौलाना महमद्दीन वाली सैदना मौलाना महमदीन व बारिक वलम बी फ़जली सुबह रब्ब करबी ल्ज़ती अम्म सिफ़ून वसलामसीना वल्हदिल्ल रबलमिन